नमस्ते एवरीवन, दिस इज पार्ट फोर वीडियो ऑफ चैप्टर चीफ की दावत। इन लास्ट वीडियो हमने देखा था कि साहब कौन, श्यामनाथ के चीफ को, तो उनके बॉस को फुलकारी पसंद आ जाती है। तो श्यामनाथ कहते हैं कि माँ अपने हाथों से आपके लिए एक फुलकारी बना देगी। फुलकारी मतलब एम्ब्रॉयडरी किया हुआ एक पीस ऑफ क्लोथ। माँ को, माँ कहती है कि मेरी नजर कहाँ है बेटा, मेरी नजर मीन्स आई साइट, माँ की आई साइट बहुत पुअर है। तो माँ कहती है कि मेरी नजर कहाँ इतनी अच्छी है कि मैं बना पाऊंगी, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब से बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। मतलब वो जरूर बनाएगी, क्योंकि माँ बोल रही थी ना, मैं कहाँ, वो रेजिस्ट कर रही थी, अरे मैं कहाँ बनाऊंगी। तो श्यामनाथ बोले, नहीं नहीं वो बना देगी। शिविर में साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला एंड हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। खाने की मेज की ओर बढ़ गए, डाइनिंग टेबल जो था, जो डिनर टेबल जहाँ डिनर सर्व किया हुआ था सबके लिए, तो उस टेबल की ओर चले गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। तो साहब को तो इतना कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, वो तो खुश थे कि उनके लिए भी एक फुलकारी बनाई जाएगी। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान बैठ गए, मतलब जब वो लोग खाना खाने के लिए मेज पे चले गए, मेज मीन्स टेबल, वहां पर चले गए और बैठ गए, तब माँ धीरे से सबसे बचते हुए, माँ पर से सबकी आंखें हट गई। दैट मीन्स कि सब लोग माँ की ओर ही देख रहे थे। अब तक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन था, हु वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो माँ। तो जैसे ही माँ से सबकी आंखें हटी, सभी लोग धीरे से कुर्सी पर से उठी, उस चेयर पे जहां बैठी थी बरामदे में, वहां से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। कोठरी मीन्स कमरा, उसका रूम एंड सबसे नजरें, मतलब किसी को पता भी नहीं चला, छुपके से माँ अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी, आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। अब तक माँ अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए थी। ऑब्वियसली शी वॉज नॉट कंफर्टेबल, उसको सिंगिंग कंफर्टेबल नहीं था, उसने जो गीत गाया कंफर्टेबल नहीं थी, फुलकारी बनाना, अचानक सभी लोग क्लैप कर रहे हैं, शी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड उसने, मतलब पार्टी में लोगों को लग रहा है कि उसने पार्टी में जान ला दी एंड बट फॉर हर इट वॉज नॉट सो, मतलब नॉट, इट वॉज सो डिफिकल्ट एक्चुअली। तो वो जैसे ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी, डरी हुई थी, शी वॉन्टेड टू क्राई लाउडली, तो वो जैसे ही अपनी कोठरी में आई, धीरे से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शी स्टार्टेड लाइक क्राइंग, दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वे बार बार उमड़ जाते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। बरसों का बांध मतलब जैसे डैम होता है एक, वैसे ही जो टीयर्स उसने इतने सालों तक, बरस मतलब इतने इयर्स, इतने सालों तक उसने जो कंट्रोल किया था, इट लाइक अ डैम पूरी तरह से टूट गया है एंड उसमें से सिर्फ आंसू ही बह रहे। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, बहुतेरा मतलब मैनी टाइम्स, उसने बहुत बार अपने मन को समझाया, मतलब शी वॉज लाइक trying to calm herself, कि नहीं नहीं everything is okay, ठीक है, सब ठीक है, ऐसे। तो उसने अपने आप को समझाने के लिए क्या क्या किया, हाथ जोड़े, she started praying, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, चिरायु लंबी आयु, आयु means मेरा बेटा बहुत सालों तक जिए, long live, ऐसा। तो अपने बेटे की लंबी आयु, लंबी लॉन्ग लाइफ के लिए उसने प्रेज किए।
बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ना आते थे। मतलब जिस तरह बारिश एक बार स्टार्ट हो जाती है, वंस इट स्टार्ट्स रेनिंग, उसी तरह उसके आंसू, उसके जो टीयर्स थे, वे भी जस्ट लाइक द रेन, वो स्टॉप ही नहीं हो रहे थे। तो वो बार बार भगवान का नाम ले रही थी, बेटे के बारे में सोच रही थी, मतलब हैप्पी मोमेंट्स जैसे हम खुद को काम करने के लिए, बट वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि श्यामनाथ इज सो इनसेंसिटिव, उसको माँ के बारे में, माँ के साथ क्या हो रहा है उसको कुछ पता ही नहीं है। आधी रात का वक्त होगा, मिडनाइट, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे, सारे गेस्ट चले गए। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। दीवार से सटकर मतलब वॉल को ऐसे, वॉल का सपोर्ट लेके शी वाज एकदम वॉल की तरफ सिकुड़ के बैठी हुई थी, एंड वॉल को देख रही थी। मतलब कुछ नहीं था उसके लिए देखने के लिए, शी वाज सो मच इन हर थॉट्स कि वो बस देख रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। घर के वातावरण में तनाव ढीला क्यों हो गया था? तनाव ढीला होना मींस स्ट्रेस अब कम हो गया था घर में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गेस्ट जा चुके थे, पार्टी सक्सेसफुल हो गई थी, तो एवरीवन वाज लाइक रिलीव्ड कि ठीक है सब हो गया। मोहल्ले की निशब्दता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। मोहल्ला मींस जो सोसाइटी है, जो एरिया है, वहां ऑब्वियसली साइलेंस था। एवरी निशब्दता मतलब साइलेंट, मिडनाइट है तो सब जगह लोग चुप है, शांत है। अब वैसी ही शांति, उतना ही काम, क्वाइटनेस श्यामनाथ का घर भी था। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाज आ रही थी, ओनली द किचन, किचन एरिया में जो तुम्हारे प्लेट्स थे उनमें से क्लीन करने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। सहसा अचानक से माँ का जो कमरा था उसका दरवाजा नॉक होने लगा, खटकने लगा, नॉक होने लगा। माँ दरवाजा खोलो, श्यामनाथ ने कहा। माँ का दिल बैठ गया। माँ वॉज लाइक अब क्या हो गया? दिल बैठ जाना, डर जाना, हड़बड़ाकर उठ बैठी, बैठ गई। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई है? मुझसे फिर मतलब अगेन मेरे से कोई गलती हो गई है? अगेन ऐसा क्यों लग रहा है माँ को फिर से? क्योंकि एक गलती हो गई थी, माँ को कहा था बरामदे में सोना नहीं, एंड शी स्लेप्ट, वहां पे वो चेयर पे बैठी बैठी सो गई थी। माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी, कोसना मतलब टू कर्स, अपने आप को ब्लेम कर रही थी। क्यों उन्हें नींद आ गई? क्यों वह ऊंघने लगी? नींद आ गई, टू फॉल अस्लीप, ऊंघने लगी, अगेन सो क्यों गई, गहरे में सो गई, स्नोरिंग स्टार्ट किया। तो माँ अपने आप को ब्लेम कर रही थी, कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रही थी कि मैं सो कैसे गई, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। क्षमा मतलब फॉरगिव, तो क्या बेटे ने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? माँ उठ के अपने कांपते हाथ, मतलब उसके हैंड्स शिवर कर रहे थे, और उसने डरते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। आलिंगन टू गिव अ टाइट हग, गले से लगा दिया। क्यों? क्योंकि हियर इज द आंसर। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूं। ओ अम्मी, ओ अम्मी, मतलब ओ ओ मद ओ अम्मी, अपनी माँ को बोल रहे हैं कि तुमने तो आज पार्टी को हिट कर दिया, रंग ला दिया, जैसे महफिल जमा दी। उसकी पार्टी आज हिट हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने गाने गाए, एंड उसका चीफ, वो बहुत खुश थे उनकी माँ को मिलके। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। छोटी सी काया, काया मीन्स बॉडी, शरीर, तो माँ छोटी सी, फिजिकली वेरी वीक, सिमट कर ऐसा कर्ल्ड अप होके बेटे के आलिंगन में छिप गई। बेटा उन्हें टाइटली हग कर रहा है,
और माँ से जैसे उसमें समेट गई है पूरी तरह से। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए, अगेन माँ के आंखों में आंसू आ गए, बट दिस टाइम शी वॉज लाइक हैप्पी, क्योंकि वो एवरीथिंग इज सब अच्छे से हो गया। माँ को लगा था बेटा डांटेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, बेटा खुश है, माँ को इतना प्यार कर रहा है। तो अब ये खुशी के आंसू थे, उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, पोंछना वाइप ऑफ, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ हरिद्वार अ होली प्लेस, तुम मुझे तो वहां भेज दो। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे, उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गई। झूमना सहसा बंद हो गया मतलब वो खुश था, ड्रिंक किया हुआ था, तो ही वॉज लाइक लिटिल डांसिंग, वो बंद हो गया। पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे, फोरहेड पर अगेन रिंकल्स से आ रहे थे अगेन, उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गई मतलब उन्होंने माँ को जो हक किया हुआ था, तो जो उनके हैंड्स थे अब वहां से उनके बॉडी पे से उनकी माँ से हट गए। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? अब वो गुस्सा होने लगे, यह कौन सा राग मतलब ये सब क्या तुम फिर से बात करने लगी? बिकॉज दिस टाइम व्हाट इज द चेंज, श्यामनाथ अपनी माँ को अब जाने नहीं देना चाहते। हमने पहले देखा था कि श्यामनाथ नहीं चाहते थे कि माँ उनके साथ रहे, शी माँ वॉज लाइक अ बर्डन फॉर श्यामनाथ, एक बोझ थी उनके लिए, बट अब श्यामनाथ नहीं चाहते थे कि माँ हरिद्वार जाए। श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा, बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो माँ, तुम जानबूझकर हरिद्वार जा बैठना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। तो श्यामनाथ कहते हैं कि तुम चाहती हो कि दुनिया वाले सोसाइटी ये बोले कि कैसा बेटा है जो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रह सकता, तुम मुझे बदनाम, बदनाम मीन्स डिसफेम कर देना चाहती हो, मतलब मेरी बदनामी करना चाहती हो। तो सीधा श्यामनाथ क्यों, एक और ये नहीं कि उन्हें दुख हो रहा है, अगेन सोसाइटी क्या कहेगी कह के वो माँ को रोक रहे हैं, कितने असंवेदनशील है, सो इनसेंसिटिव। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो, मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूंगी। अपनी बहू मीन्स अपनी वाइफ, यह बहू इज वाइफ, तो तुम अपनी वाइफ के साथ जैसा मन जैसा चाहे वैसा रहो, मतलब बी हैप्पी विथ योर वाइफ, अपना रहो, मैंने अपना खा पहन लिया मीन्स खा पहन लिया मतलब मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब मैं यहाँ क्या करूंगी, मीन्स मैंने जैसा अपनी जिंदगी आया है मैंने जी ली है, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगी, सो आई विल गो टू हरिद्वार, अपना नाम भगवान का नाम लूंगी एंड बची खुची जिंदगी जो भी है मैं भगवान का नाम लेके गुजारूंगी, जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है भगवान का नाम लूंगी, तो मुझे हरिद्वार भेज दो। सो यश शी वॉन्ट्स टू गो टू हरिद्वार, उसके लिए परमिशन चाहती है अपने बेटे की, उसे लगता है कि बेटा खुश है तो ही विल अलाउ, और उसे फ्रीडम देना चाहती है कि तू रह ले जैसा अपनी वाइफ के साथ चाहे, यू बी हैप्पी विथ हर, अपना जीवन जियो, मुझे भेज दे। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा, साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है, इकरार मीन्स किसी चीज को मान लेना, टू से यस, कि हाँ उन्होंने श्यामनाथ ने साहब को बोल दिया है कि माँ आपको एक फुलकारी बना के दे देगी, तो श्यामनाथ क्यों परेशान है कि अगर माँ चली गई तो फुलकारी कौन बनाएगा, क्योंकि साहब को तो उनके माँ के हाथों की बनी फुलकारी चाहिए, तो ही इज नॉट वरीड, उसे माँ नहीं चाहिए बस माँ के हाथों की फुलकारी चाहिए। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो। तो माँ कह रही है कि मेरी आंखें, मेरी आई विजन, मेरी आंखों की रोशनी वैसी नहीं है, तुम कहीं से बनवा लो या कहीं से बनी बनाई ले लो, बनी बनाई मीन्स रेडीमेड, शॉप से बाय कर लो। माँ तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। श्यामनाथ अब माँ को मना रहे हैं कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो,
तुम मेरा बनता हुआ काम नहीं बिगाड़ सकती हो, मतलब मैंने पार्टी थ्रो की थी, सांप खुश है, तो अब मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता, मुझे प्रमोशन मिलेगा, तुम्हें ये नहीं पता? माँ चुप हो गई, फिर बेटे की मुंह की ओर देखते हुए बोली, मुंह की ओर, फेस की ओर, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? अरे मतलब माँ, अरे तेरा प्रमोशन होगा, सच में? क्या तेरे साहब ने कुछ कहा? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है? श्यामनाथ बोले, देखती नहीं वो कितना खुश गया है यहाँ से? ही वाज सो हैप्पी हियर, वो कितना खुशी खुशी अपने घर से गया है। कहता था कौन? कहता था ऑफ कोर्स उसका साहब चीफ। जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। तब वो अपनी माँ को पुचकार रहा है, मीठा मीठा बोल रहा है कि साहब तो कितना खुश होगा, वो देखने आएगा व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग, जब फुलकारी बनाओगी। और साहब ने बोला, हो सकता है कि साहब खुश हो जाए तो मैं एक बड़ा अफसर, अब बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊं। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, चेहरे का रंग बदलने लगा मतलब वो अब हैप्पी हो रही थी, उसके फेस अब तक जो डरी थी एंड वो यहाँ से जाना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि वो एक बर्डन बने श्यामनाथ पे, और उसको कैसे भी तरह से हरिद्वार जाना था। अब उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे, धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा चेहरा खिलने लगा, खिलने लगा। नाउ शी वॉज मोर हैप्पी, खुश थी, झुर्रिया रिंकल्स, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी, चमक आने, आईज उसकी ग्लो करने लगी थी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा? अरे तो तेरा प्रमोशन हो जाएगा बेटा, वो खुश थी। तरक्की यू ही हो जाएगी, साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसके खिदमत करने वाले क्या थोड़े हैं? खिदमत टू सर्व मतलब साहब की तारीफें करना, उसकी सेवा करने वाले कितने लोग हैं? मुझे साहब को खुश रखना पड़ेगा, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। वाह, मतलब कि मैं ओके, मैं आई विल मेक फुलकारी, जैसा बन जाएगा बना दूंगी। और माँ दिली दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी, और माँ ने अपना हरिद्वार जाने का जो उसका ख्याल था वो छोड़ दिया। शी एग्रीड कि मैं तेरे लिए फुलकारी बनाऊंगी, तेरे को तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, साहब खुश होगा, तू भी खुश हो जाएगा, और तेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, उज्जवल भविष्य, ब्राइट फ्यूचर। और ओ सो सॉरी, और मिस्टर श्यामनाथ, और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ माँ, मतलब ये मिस्टर श्यामनाथ क्या कहते हैं, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। तनिक लड़खड़ाते, तनिक मतलब स्लाइटली, लड़खड़ाते मतलब एकदम स्मूथ वॉक नहीं कर रहे थे यहाँ वहां, क्योंकि उन्होंने झूमते हुए इधर उधर चल रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो नशे में थे, और अपनी और कमरे की ओर चले गए। तो ये द चैप्टर एंड्स। तो इस कहानी में हम लोग दो चीजें देखते हैं, नंबर वन कि किस तरह स्वार्थी बेटा श्यामनाथ उसको अपनी विधवा बूढ़ी माँ का बलिदान कहीं दिखाई नहीं, उसे सिर्फ लगा कि माँ ने गहने बेच दिए तो वो उनका फर्ज था, उसे सिर्फ दिख रहा है कि किस तरह से माँ का, पहले वो चाहते थे कि माँ अलग रहे, साहब के सामने ना आए, और अब वो माँ के जरिए तरक्की पाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से असंवेदनशील है, क्रूएल है और स्वार्थी है, और दया करुणा सहानुभूति इन सब जीवन मूल्यों से बहुत ही दूर होते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मध्यम परिवार, मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है, जिस तरह से उसमें खोखलापन और दिखावटीपन आ गया है वो। और सेकेंड वे, माँ अपने बच्चों के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उन्नति मीन्स उनका ब्राइट फ्यूचर के लिए सर्वस्व समर्पित कर देती है, ये बच्चों को
समझना पड़ेगा किस तरह उनके माता पिता उनके लिए सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, और बच्चे कुछ भी करे उनके भविष्य की अच्छे उन्नति उनके अच्छे भविष्य की कामनाएं करती है। तो हियर हम चैप्टर खत्म करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। कीप शेयरिंग, अगर लाइक नहीं किया है तो डू लाइक। बाय बाय, टेक केयर।